इधर पे बड़ी वाली जो छन्नी होती है वो है नहीं, उसमें सबसे अच्छे से होता है, लेकिन जैसे चावल फसाते हैं मैंने वैसे फसाया है, और ठंडा पानी लेके आया उसमें तो पानी पूरी लेकर रख दो यार, कम से कम पीऊंगा फिर कैसे हो बताओ, और तीखा पानी लगेगा, नहीं पीना है ऐसा कोई सीन नहीं। जाओ बचे चार मिनट। मॉर्निंग, कैसा आप लोग? तो आज की वीडियो में कुछ खास और इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंटरेस्टिंग ये होने वाला, इतना बड़ा हमारे घर में चढ़ाया तो इसमें क्या बन रहा है। पहले तो आपको इधर दिखा देते हैं हमारा, जो भी मैंने कट करके बंधा गोभी, प्याज, ये लहसुन छील के और ये शिमला मिर्च कट करके रखा है एकदम बढ़िया मस्त तरीके से। और इसमें मैं बॉईल कर रही हूँ चाउमीन, तो फर्स्ट टाइम मैं बना रही हूँ चाउमीन। तो फ्रेंड देखिए मैं कैसे बॉईल करूँ इतना बड़ा हंडे में, और एक मतलब कि और बड़ा बर्तन रहता है फैला रहता है तो सही रहता है। तो एक पैकेट हमारा चाउमीन था ये, वो मैंने पूरा इतने से पानी में डाला था, इसको बॉईल करते फर्स्ट टाइम बॉईल करे, मुझे पता नहीं कितनी देर तक, लेकिन मुझे ऐसा लगता जिस तरह हम पास्ता मैक्रोनी करते हैं बॉईल, वैसे ही इसको भी करना पड़ेगा। उसके बाद फिर इसको सूखा मतलब कि ठंडा करेंगे, उसके बाद बनाएंगे। तो फ्रेंड ब्लॉग में बने रहिए, हम चाउमीन को बॉईल करते देखते किस तरीके से बॉईल होता, कहीं खराब ना हो जाए, बस आप लोग दुआ करना खराब ना हो। फिर उसके बाद बनाते हैं, फिर देखते हैं कैसा बनता है हमारा चाउमीन, फिर आपको दिखाते रहेंगे। और आज की वीडियो में जानू करने वाले हैं चैलेंज, तो पहले हम बनाएंगे उसके बाद होगा चैलेंज। तो कोई न्यू मेहमान आने वाला है इस वीडियो में जिसके साथ जानू करेंगे चैलेंज, तो ब्लॉग में बने रहिए, कोई वीडियो का स्किप मत करिएगा, देखते रहिए कैसे कैसे बनाते हैं, कैसे चैलेंज होता है। तो फाइनली फ्रेंड्स हमारा चाउमीन उबल गया, लेकिन हमारे घर पे बड़ी वाली जो छन्नी होती है वो है नहीं, उसमें सबसे अच्छे से होता है, लेकिन जैसे चावल फसाते हैं मैंने वैसे फसाया है, और ठंडा पानी लेके आया उसमें क्या पता ठंडे पानी से सही हो जाए। तो बड़े वाले परात इधर हमारा रखा है, उसमें इसको रखेंगे, फिर उसका इसको ठंडा करेंगे। अभी इसको कम से कम आधा एक घंटा तो लगेगा एकदम फ्रेश होने में, क्योंकि अगर हम अभी गरम गरम डालेंगे तो कढ़ाई में चिपकेगी, इसको एकदम ठंडा करने के बाद ही डालते हैं। तो ब्लॉग में बने रहिए फ्रेंड, देखिए मेरा चाउमीन का क्या हाल होता है, आप लोग को दिखाते कैसा हुआ है। जाना सर ने कहना, तो फ्रेंड देखिए ये है हमारा चाउमीन कैसा बन गया। अब मैं इसको ठंडे पानी में, ठंडे पानी से सही कर लेती थोड़ा फ्रेश होना। तो फ्रेंड फाइनली हमारे कढ़ाई में पड़ चुकी है तेल, एक घंटे बाद परेशान होने के बाद सारा कुछ मिलता नहीं। तो फ्रेंड मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ इसलिए मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं, जो जो है हमारे पास मैं वो डाल दे रही हूँ, अपने चाउमीन में, कि हमारा तेल थोड़ा पक जाए थोड़ा सा हल्का, नहीं तो क्योंकि मैंने इसमें डाला है सरसों का तेल, हमारे घर में रिफाइंड था नहीं, हल्का सा तो हल्का रिफाइंड और सरसों का तेल दोनों मिक्स है इसमें। तो चलते हैं डालते हैं, क्योंकि इसको ज़्यादा पकाने नहीं है, मतलब थोड़ा ऐसे ही रख रहे हैं सिर्फ, इसमें मतलब कि ग्रीन ग्रीन जो वो आती है वो ना आए। तो डाल देते पहले प्याज डालते हैं, पहले मैंने डाला इसमें प्याज कटा हुआ, इसको हल्का सा भून लेते हैं। तो ये सारे डाल दो मैंने, इतना मैं डालो हल्का डाल दो आधा दो आधा बस बस बस, बंदा गोभी आ गया हमारा, शिमला मिर्च सब डाल, शिमला मिर्च मेरा पसंद है भाई, शिमला मिर्च जानो पहले चिकन को बॉईल करके शिमला मिर्च में नमक डाल के ऐसे खाते थे, मुझे बहुत अजीब लगता था। तो ये सारा कुछ मिक्स करके बढ़िया भून लेते हैं। तो फ्रेंड्स अभी देखते हैं प्रिया बनाती कैसे, आप लोग हमारे ब्लॉग में बनी रहिए और देखते रहिए, ठीक है ना, ट्राई जरूर करना, अच्छा लगे तो मैं तो खा के बताऊंगा। मुझे पता है मेरे फ्रेंड को मुझसे अच्छा आता होगा बनाना, क्यों जानूं? अब ये मुझे नहीं पता क्योंकि मैं तो पहली बार बना रही हूँ ना, इसलिए। तो हल्का हल्का मैं इसको भून लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलते हैं फ्रेंड। देखिए प्रिया इसमें डाल क्या दी है, मैंने इसमें डाल दिया मिर्च पाउडर, ताकि जानू को तीखा लगे, मिर्च पाउडर। अच्छा तो इसके अंदर मिर्च पाउडर डाल चुका है फ्रेंड, देखिए आप लोग कैसे कैसे बनाती है। और फ्रेंड देखिए अब देखते हैं हमारा बनता कैसे, और मैं आई मीन शॉप में बनता है वैसे बनता है, फिर किसी और तरह से बनता है। मैं शॉप वाला बनेगा, शॉप में तो ऐसे उसमें बहुत सारी चीजें पता नहीं क्या क्या होते हैं ना, बॉटल में जो सब डाल, वहाँ तो फ्रेंड बहुत ज्यादा सामान होता है, हमारे पास इतना है नहीं, तो हम बस सिंपल बना खाएंगे घरेलू उपाय में। आप लोग अच्छा फ्रेंड बनेगा तो मैं आपको बोलूंगा जरूर बनाइएगा, आप लोग भी कितना मस्त बनता है। वो तो जानना चाहेंगे फ्रेंड, आपको पता मैं खाने वाली हूँ नहीं, क्योंकि आपको पता ही है। फ्रेंड फाइनली दो घंटे बाद हमारी चाउमीन की हालत ये हो चुकी है, तो अब इसमें मैं डालूंगी चाउमीन। ओ भाई इतना सारा? सारा नहीं डालूंगी मैं, सारा थोड़ा ना बनाऊंगी, तुमने इतना उबाला फिर क्यों? जा रही हूँ आधा बांट दूंगी किसी जो बना है। तो फ्रेंड इसके अंदर डल चुका हमारा चाउमीन मस्त, जल्दी जाओ जल्दी इन्हें जल जाएगा, नहीं जल रहा। देखिए बस आप लोग फ्रेंड देखते हैं बनता कैसे कैसे हमारे घर के अंदर। तो फ्रेंड पड़ चुका है, और डालो 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 और डालो यार, मैं तो भाई खाने, अरे कितना डाल रही है, कितना डालो ना वो भाई, तो भी नहीं रहा है, तो बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड मेरे लिए बन चुका है तीन प्लेट, देख सकते हो आप लोग, बस को पता इतना जल रहा है यार, ऐसा क्यों, क्या जल रहा है?
वो चिपकेगा ही इसमें। लोहे की कढ़ाई बनती है ये, मैंने देखा सब लोहे की कढ़ाई बनाते हैं शॉप पे, लेकिन मैं यहाँ पे इसी कढ़ाई में बना दी। बस इतना ही जानू, और डालो तो डाल दे है? और डाल, और बाद में बना बच्चे के लिए, सब बांट बूट बना बच्चे के लिए बना करके। बस हाँ बच्चे हो जाके यही बांट दो, बच्चे से ना बना बना के खाएंगे। तो फ्रेंड देखिए कितना हमारा मस्त चौमिन बन चुका है, पूरा बढ़िया देखने में, पूरा दुकान को भी, दुकान के चौमिन को भी फेल कर दिया। वाह, घर का चौमिन बनता ही है, क्या पता नमक बहुत ज़्यादा हो गया हो। नमक ज़्यादा का फिर तुम्हारा खैर नहीं। हाँ लेकिन जानू कुछ कहना मत, तुम मुझे बहुत मारते हो। अच्छा मैं तुम्हें मारा कभी? सच बताना, सच बताना, झूठ मत बोल। नहीं फ्रेंड अपनी कसम, कभी जानू मुझे हाथ नहीं लगाते। कभी नहीं मारते, मैं ऐसे मजाक कर रही हूँ। तुमने तुमने कैसे बोला फिर, झूठ क्यों बोल रही हो? ऐसे ही मजाक कर रही हूँ, मजाक नहीं कर रही। वाह भाई देखने में क्या मस्त लग रहा है, अब देखने में तो इतना मस्त लग रहा है, अब खाने का पता नहीं खाने में कैसा लगा इसका ये नहीं पता। तो खाने में भी अच्छा लगेगा, बना के फाइनली फिर मिलते हैं आप लोगों से। देखिए हमारा यहाँ फिर से पदार्थ चढ़ चुका है, जो मेरा वाला था वो ज़रा स्पाइसी था, वो बच्चों के लिए नहीं था, तो प्रिया यहाँ पे फिर से बना रही है बच्चों के लिए, जो कि फ्रेंड्स इसमें इतना ज़्यादा कहाँ गया, इसमें इतना ज़्यादा बच चुका है जो खाएंगे बच्चे और नन्हे मुन्ने राई, तो इसमें मिर्च थोड़ा कम पड़ेगा, जो मेरा वाला था उसमें मिर्च था। क्यों? हाँ देखिए हमारे घर में चौमिन बनने के बाद क्या हो रहा है। नन्हा मुन्ना राई हूँ, सबसे नन्हा मुन्ना राई ये है, नन्हा मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ। फाइनली हम आ चुके हैं कैमरे के सामने चौमिन की प्लेट लेके। और भाई बताओ क्या फ्रेंड, टास्क भी इतना मतलब इतना ओ तुम नहीं टास्क भी इतना मतलब भारी टास्क मुझे दिया गया है ना। तो फ्रेंड टास्क ये दिया कि गया कि मैं टास्क को कंप्लीट शायद ही कर सकता हूँ, अगर आप लोग आशीर्वाद हुआ तो कर ही लूंगा। टास्क ये दिया गया, तो फ्रेंड देखिए हमारा कैमरा पर सेट है, जानू ऐसे नीचे रख के खाने देंगे नहीं, चौमिन दिखेगी तो मैंने जानू ये बोला ऐसे पकड़ के प्लेट। अच्छा ये बताओ ऐसे पकड़ के ये कुत्ते वाला स्टाइल कर दिया, ठीक है कुत्ता समझ लिया नहीं, ये बताओ फोन फोन के अंदर रखा है ना, टाइमिंग भी तो देना था, तो ऐसे पकड़ के खाना है। हाँ तो जाओ फोन लेकर के आओ फ्रेंड, फोन लेकर प्रिया आ रही है। हाँ। तो उसे मिलते हैं। तो भाई प्रिया फाइन लेकर आ चुकी है फोन, और अभी से मुझे पकड़ रखी हो, जो मैं पकड़े और अभी पकड़ो ना, मेरा हाथ दर्द होने लगा भाई। रखो रखो टाइमर से ठीक है, तो टाइमर इसको पता नहीं है टाइमर कहाँ है। भाई हम आ चुके हैं फाइनली अपने तारों के महल में, आपको फ्रेंड्स पता ही है। यहां से मैं स्टार्ट करूंगी अपना टाइमर, टाइमर तो अभी 0:00 पे है, तो देखते हैं अभी तक कितने मिनट में से खाना है। तो एक मिनट रुको जानू, तो फ्रेंड बताना मुंह में किसी से पानी आया कि नहीं। तो भाई 0:00 कर दिया मैंने, 0:00। ओ पानी पूरी लेकर रख दो यार, कम से कम पीऊंगा फिर कैसे हो बताओ, और तीखा लगेगा। पानी नहीं पीना है, ऐसा कोई सीन नहीं, जाओ फिर मैं नहीं कर रहा हूँ, पानी लेकर क्या हो जानू। तो भाई ये देख लो पानी भी आ चुका है, और पानी भी ढक्कन बंद कर दीजिए, ढक्कन खोलता हूँ, ढक्कन मैं खोल दूंगी, रखो आप ठीक है, ताकि मुझे लगे तो मैं जल्दी से पी लूं। पी लेना नहीं, तुम ढक्कन खोल रखो पानी का। अच्छा देखो अभी ढक्कन खुल नहीं रहा, ऐसे बंदा खत्म। फिर तो पानी खुल गया, जानू के हाथ में प्लेट भी पहुंच गई है, और अभी से मेरा हैंड दर्द होने लगा। ये तो कितने मिनट में खाना है, 5 मिनट 10 मिनट 2 मिनट? अरे यार बताओ, लो आप बताओ कितने मिनट? 5 मिनट में खाली खा, मैं 200 रुपए दूंगा। चलो आपको 5 मिनट देती हूँ, 5 मिनट। तो फ्रेंड्स 5 मिनट में ये पूरा जो है ना चौमिन मुझे फिनिश करना है, फिनिश करना। तो अभी देखते हैं 5 मिनट में मैं कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ, तो आप लोग ब्लॉग में रहिएगा, बने 5 मिनट चौमिन खा लिया। आपको पहले एक बार बता दूं, रहा नहीं जा रहा, पता है मुझे इतनी दिक्कत होती है ना हम लोग यहाँ वीडियो शूट करने में, इस हालात में इतनी दिक्कत होती है, मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा से जो भगवान जी कर रहे हैं करने दीजिए, कोई बात नहीं। तो स्टार्ट हो गया, मुझे पानी आ रहा है, मैंने आई मीन मैं खा के भी दिखा रही हूँ कैसा बना, नहीं बना टेस्टी क्या नहीं है। तो फ्रेंड प्लीज आपको एक मिनट रुपये मैं खा के चेक कर बताऊंगा, ताकि फ्रेंड लोग भी कोई बनाए तो अब कर लो टेस्ट। फ्रेंड्स बना तो बड़ा मस्त है। हाँ। लेकिन एक चीज ये है। हाँ। कि इसमें जो है ना ऑयल ज्यादा है। हाँ। और वो भी सरसों को डाली हो ना। हाँ। सरसों को डाली है तो उसका थोड़ा टेस्ट जो मेरा खराब हो चुका है, आप लोग रिफाइंड डालना क्योंकि मैं रिफाइंड मुझे ज्यादा पसंद है। हाँ, तो अब करते हैं हम स्टार्ट, 1 2 3 स्टार्ट। तो फ्रेंड्स टाइमर स्टार्ट हो चुका है, 5 मिनट का टाइम है, जानू थाली ऊपर, थाली ऊपर, एक मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया। तो फ्रेंड्स अभी टाइमिंग चालू है, मैं आप लोगों को बीच बीच में दिखाती रहूंगी, मैं जब तक देखती रहती हूँ टाइम कितना होता है, और जानू मैं खाऊंगा नहीं, 1 मिनट 2 मिनट बोलिए टाइम दिखाओ। ये देखो आप टाइम अभी 21 सेकंड हुए फ्रेंड्स, सेकंडों पे चल रहा है अभी। चलो जानू की तो जीत होगी, तो फ्रेंड टेस्टी तो फ्रेंड देखिए बर्गर चैलेंज में जानू को 3 मिनट की, हाँ 2 मिनट की 3 मिनट का टाइमिंग दिया गया था,
फिर जीत नहीं पाया, 5 मिनट का टाइम ले, 5 मिनट में क्या मैं 2 मिनट में खत्म कर देती चाउमीन। अभी एक अभी 42 सेकंड है, ठीक है, स्पाइसी है। तो जानू की हार होने वाली है, मुझे ऐसा लगता है जानू की हार होने वाली है। तो फाइनली फ्रेंड्स आपको हम बता देते हैं कि एक मिनट कंप्लीट हुआ, बचे 4 मिनट, 4 मिनट में चाउमीन का प्लेट खाली हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, आप लोग देख सकते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स 2 मिनट भी अभी कंप्लीट नहीं हुए, भाई डरा रही है। आप टाइमिंग देख सकते हो, तो फ्रेंड्स टाइमिंग चालू है, टाइमिंग चालू है, आप लोग देखते रहिए, टाइमिंग फटाफट अपने रफ्तार में है और जानू हारने के एकदम मोहताज पे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जानू हारने वाले हैं। फ्रेंड पता है मेरा मन भी बहुत करा खाने के, लेकिन मैं खा नहीं सकती, आप लोगों ने मना किया ना, इसलिए बहुत परहेज करना पड़ता है इन सर। खुशबू आ रही है ना चाउमीन, रहने दो। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, फाइनली अभी 50 सेकेंड, 1 मिनट 50 सेकेंड हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो अभी मैं जानू को बताना चाहूँगी, फाइनली जानू का 2 मिनट हुआ कंप्लीट, आप लोग देख सकते हैं जानू पानी डाल के अपने पेट में चाउमीन को खा रहे हैं। तो ऐसे चाउमीन नहीं खाना चाहिए। सुनो मैं गेम हार रहा हूँ भाई, मुझसे नहीं खा जाएगा। क्यों नहीं खाया जाएगा, फिर मैं टाइट हो गया। तो फाइनली जानू 2 मिनट 20 सेकंड पे अपना चैलेंज हारते हैं हुए, तो इसको करते हैं, मुझसे नहीं खाया जाएगा भाई, हो गया स्टॉप। दो मिनट 24 सेकंड पे जानू का रुक गया है, नहीं 2 मिनट 24 सेकंड पे रुक गया जानू का चैलेंज। तो फ्रेंड्स देखते जानू हार चुके हैं फाइनली, अब करते ये है कि अब जानू क्या बोलना चाहेंगे इस चाउमीन के बारे में। भाई पहले बता दूं, मैं फ्रेंड्स खाया था, लेकिन मैं इस ये खाने से पहले आधे घंटे पहले मैंने खाना खाया था, चावल जो कि बर्दाश्त नहीं हुआ था, दाल सब्जी, और मेरा पेट जो है ना पहले से फुल था, इसलिए मैंने आधा तो खा ही गया था। देखिए अगर मुझे 5 मिनट का टाइम मिलता मैं एक थाली पहले से खाना खाया नहीं, पता क्या ये ना हमारी जीत की बाहर को आ जाएगी, मेन चीज ये, इसलिए मैं खा नहीं सकता हूँ। वैसे फ्रेंड बना टेस्टी है, वैसे बहुत ही मस्त बना है, लेकिन ये चीज़ ये है कि अगर थोड़ा और भी इसमें मसाला मसाला होता तो और भी टेस्टी बनता। और हाँ, इसमें सरसों का जो तेल डल गया ना वो मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी, रिफाइंड आज तक खाते आए और रिफाइंड मुझे अच्छा लगता है। मेरा बेबी वाला वो बात हुई ना तब से मुझे सरसों का तेल पसंद नहीं। तो फ्रेंड देखिए हम अभी मिलते हैं, थोड़ी बात हुई, मेरा बहुत ज्यादा सीन हो रहा है कि भाई मैंने बहुत ज्यादा खा लिया। तो फ्रेंड्स मिलते हैं थोड़ी देर बाद आप लोगों से चाउमीन के प्लेट खाली होने के बाद। ज्यादा तीखा था आज, रोहन बना प्रिया, प्रिया बनी रोहन। तो क्या खा रहे हो बता जल्दी से। मक्की दी रोटी और मछली दी साग। तो जल्दी जल्दी बताओ क्या खा रहे हो। मक्की की रोटी आप देख सकते हो, प्रिया जी मेरा कर रहे हैं वीडियो शूट। तो भाई पता क्या, मुझे ने बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन बिहार में आने के बाद ना नहीं जो कटोर आई लाइक दिस बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स ये है पॉम्पलेट, और देख सकते हो छोटे छोटे पॉम्पलेट, जो की कटोरी दिखाओ अपना क्या क्या खा रहे हो। ये छोटा तो कटोरी भरा हुआ मछली फ्राई की है, जो कि भाई फ्राई किया हुआ आंटी ने दिया। तो मैं सर चेक करते हैं, देख कर मुझे बहुत अजीब से लगा। तो फ्रेंड्स इसमें से मैं आया, तो फ्रेंड्स बड़ा मस्त लगा मुझे। तो जानू मक्के की रोटी के साथ ये जो भी, अभी इनका भी खाना दिखाऊंगा आपको। हाँ मेरा भी खाना खाएगी तब। तो फ्रेंड्स मिलते हैं, खा करके फिर दिखाते हैं, फिर जब मैं खाऊंगी तब आप लोग को दिखाऊंगी। खूब मस्ती से मजे से खा रहे, देख लो फ्रेंड्स कैसे मछली, ये मछली लोगों को खाने को नहीं मिलता है, इन्हें तो देख लो राक्षस। मेरा खाना फ्रेंड देख ही लिया, और प्रिया खाना देख लो, मक्की दी रोटी, लेकिन इसमें सरसों की साग तो नहीं है। जरा प्रिया जी आप इधर आइए, हाँ आप जरा दिखाइए आप खा क्या रहे हैं, जरा दिखाइए। ये सब मांगा फर्स्ट में, मांगा हुआ नहीं है, ये आंटी ने दिया। तो इसमें क्या क्या पड़ा बता दूं फ्रेंड्स, पड़ा है चावल और पॉपकॉर्न होता है, पॉपकॉर्न जो होता है हम लोग खाते हैं, वो पॉपकॉर्न को कूट कूट के यहाँ घर में भुना हुआ पॉपकॉर्न था वो, और दूध, मस्त सा खीर बना। तो मैं खीर और मक्की, और प्रिया क्या बनाई थी जरा वो भी और दिखाओ, हाइड कर रखी हो तुम। और मैंने क्या बनाया, मैंने ये बनाया। देखिए फ्रेंड देखिए। तो हमारे 2 दिन खाना, कल नाइट में मैंने क्या खाया है, कल नाइट में मैंने बिस्किट खाई थी, आज मॉर्निंग में मैंने दूध और चावल खाया, और नाइट में फिर से मैं खीर खा रही हूँ।
तो फ्रेंड हमारा खाना देख लीजिए जो कि मुझे ये सब खिलाते हैं। अच्छा ये बताओ, नहीं सुनो सुनो, तो मैं खाने मना करता हूँ, क्या कुछ भी चीज़ हो मना तो नहीं करता हूँ, ये खुद नहीं खाती है तो भाई से मेरी कोई गलती नहीं है। बता दूँ, जब मैं कोई मसाले वाली चीज खाती हूँ ना, मेरे पेट में होता है जलन। और एक चीज और दिखा दो जानू। तो फ्रेंड्स गुड न्यूज़ है, मैंने इधर लगवा लिया न्यू पंखा, जो कि आप लोगों ने दिखा रहे। एक सिस्टर ने हमारा कमेंट ये क्या किया था कि आपको लिए बाइक के लिए पैसे हैं और पंखे लेने, जरा उनको रिप्लाई जरा करना। मैं आपको बता दूं, दहेज का बाइक था ना कि मेरा बाइक था, मैंने बोला था वो हमारे ब्रदर इन लॉ को दहेज में मिला था। इतना हमारा बाइक होता था, हम अच्छा से अपना घर ना ले लें। वो हमारा ड्रीम है कि मैं लूं यूट्यूब मनी से। हमने ये बोला, आप लोग एंड तक वीडियो देखिएगा, तो उस एंड वीडियो में मैंने बोला कि ये शादी में मिला हुआ दहेज है और हमारा ये ड्रीम है, मुझे ये बाइक बहुत ज्यादा पसंद है, मैंने वीडियो में ये बोला ना जानू। तो फ्रेंड्स आप लोग फुल वीडियो वॉच करिए, लास्ट में हमने ये बोला है कि बाइक मेरी नहीं है, दहेज। तो फ्रेंड्स कोई बात नहीं, बाकी जो लोग पूरा वीडियो देखे हैं वो तो समझ ही गए हैं। पता ही होगा, ज्यादा नहीं, एक दो कमेंट्स आई थी कि मतलब कि आपके पास बाइक लेने के पैसे हैं। हाँ, और चलो कोई चेंज टॉपिक। तो फ्रेंड्स प्रिया खाना आपको हमने दिखाई दिया, क्या खाई है नहीं खाई है, और सिर्फ मैं दूध दूध ही खा रही हूँ। हाँ। तो फ्रेंड मैंने फाइनली मसाला बंद कर दिया, अगर मैं नेक्स्ट टाइम खाऊंगी तो मैं खिचड़ी, मूंग की दाल खिचड़ी सबसे बेस्ट। तो अब मैं फ्रेंड बिल्कुल भी खाने, क्योंकि मेरे पेट में बहुत जलन होता है, पता है मैं खाती हूँ। कोई बात नहीं, जलन होता है, जलन को तुम हटा दो, पानी ज्यादा पिया करो, पानी कम पीती, पानी ज्यादा पिया करो, पानी उसमें पीती। फ्रेंड आप कमेंट्स करके ये बताना, मैं इसमें पीतल है, तांबा है जानू, तांबा, तो मैं इसमें पानी पी सकती हूँ, लेकिन बताया क्या फ्रेंड्स, इसमें का पानी बहुत टेस्टी लगता है, मेरा टेस्ट चेंज होता है, पता है मुझे। तो फ्रेंड्स वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है, तो आज के लिए और अभी के लिए इतना ही, एंड गुड नाइट। और जो चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, वीडियो को अपने फ्रेंडों में शेयर कर दे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, अच्छे ब्लॉग के साथ। बाय बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट।